Hello guys, we are back with a fresh new video of our special segment, The Co-Star Story, and this time it's the adorable Jodi, Amai and Mantu of your favorite show, Tere Sheher Mein. Let's hear it from them, what they have to say about each other as co-stars. This is really good. He's a very nice person. मुझे तो सोचना पड़ेगा क्या अच्छी बात बताओ. कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा बुरा भरा हुआ है. तो क्या बताऊँ मैं? अरे मजाक कर रही हूँ, नहीं मजाक कर रही हूँ, नहीं मजाक कर रही हूँ. बहुत हेल्पिंग है, सपोर्टिंग है, और एक्टिंग अच्छी करते हैं सबसे मेन बात. क्योंकि अगर आपके जो सामने एक्टर है वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो आप सीन मतलब ऐसा यू नो इक्वल होना चाहिए मेरी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, तो ये हमेशा रहता है. तुम ये कहना चाहोगे कि तुम भी अच्छी एक्टिंग करती हो? हाँ. और जब हम साथ में सीन करते हैं तो अच्छे मतलब दिल से ऐसी खुशी मिलती है कि चलो हाँ अच्छा हो गया, ऐसा टाइप फील आता है. वेरी गुड कोस्टार, इट्स अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हर एंड शी इज ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड शी लाइट्स अप एवरीबॉडीज मूड ऑन सेट. सो शी इज वेरी वेरी नाइस, शी इज वेरी सपोर्टिव फॉर श्योर. वो बहुत एडजस्टिंग है. So it's really nice and she makes everybody like feel very comfortable. At least hum log ke jitne bhi scenes hue hain, she makes me also feel very comfortable. So hamare scenes generally speaking bahut acche aate hain. And like she was also saying, you know when you do a scene, ek acha scene jab hota hai uske baad you get a very genuine satisfaction ki ha acha gaya. So that is something very nice which I get from her as a co-star. So yeah, she's very good, she's very sweet. सभी चीज़ अच्छी लगती, क्या बताऊँ. एक चीज़ सो स्वीट, एक चीज़ ये खुद आए आए वेरी नाइस. हाँ, आपने सिर्फ एक चीज़ पूछी है. अभी इन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया ना, तो मैं आपके उसके बदले में एक क्या मैं दो चीज़ बोलूँगा. डेफिनेटली हिबा नवाब पूरी की पूरी अच्छी लगती है हम लोग को, बट हर पॉजिटिविटी इट्स वेरी नाइस. इसके लिए बहुत नहीं पहले इसको बोला बहुत टाइम और ऐसे पोक करते रहते हर एक चीज़ में. बताओ ना क्या हुआ ये वो, अरे ये बताओ ना ये ऐसा क्यों गया, बताओ 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 बताओ. हमेशा हु डजंट लव गॉसिप यार. ठीक है, तो मैं आइंदा से ना डोंट आई एम नॉट गोना आस्क एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेट. कूल, ओके, सो नाउ आई विल हैव टू याद रखना. हाँ, आप लोग के सामने बोला याद रखना, कुछ पूछ रहा हुआ नहीं. एक्चुअली क्या ना, मेरे को सब लोग बोलते भी हैं अरे यार तुम कभी होते नहीं, तो यू हैव यू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. सो आई एम गोना स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस नाउ. ओके, सो शी हर्सेल्फ शी इज वेरी इरिटेटिंग, बहुत नकचड़ी है. बहुत नकचड़ी है ये वैसी. स्टार्टिंग में भी हमारे मातुर बहुत नकचड़ी थी, तो अभी ही बार ना भी नकचड़ी हो गई है. थैंक्स सर, वेलकम. मेरे बाल ये क्वालिटी, बट एक्चुअली या यू नो शी इज़ वेरी फुल ऑफ हर सेल्फ, शी इज वेरी फुल ऑफ हर सेल्फ. एंड आई थिंक जैसे आज इसकी तबीयत ख़राब है लेकिन ये फिर भी खुश है. और हम लोग का एटलीस्ट फॉर मी, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो मैं तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, एंड इट वेरी ऑटोमेटिकली शो. सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग आई डेफिनेटली वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हर. ये ना जब भी कोई भी नया सीन करने जाते हैं तो उस पर बहुत वर्क करते हैं, स्क्रिप्ट पकड़ के ऐसे घूमते रहते हैं. और जब मैंने फर्स्ट डे देखा था ना तो मैं तो डर गई थी, बाप रे इतना तैयारी करता है सीन से पहले. तो मैं ऐसा ये चीज़ अडाप्ट करना चाहूँगी इनसे जो ये पढ़ते रहते बस, ये बहुत तैयारी करके आते हैं मैदान में. करना पड़ता है ना, अभी जंग जीतनी तो तैयारी करनी पड़ती है. जब मैं कोई जैसे कि मेरा सोलो शॉट चल रहा है, मुझे लुक दे रहा है कि अरे हाँ मंटू कैमरा लेफ्ट में खड़ा है ऐसा करके, तो ये वहाँ पर आके जी जी से फेसेस बनाने लगते हैं एंड मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कैसे फेस मत बनाओ, क्योंकि मुझे सीरियस लुक दे रहा है इसलिए अजीब से फेस लाइक प्लीज़ मत करो. तो ये आदत. बट दिस इज दिस प्रैंक तो एवरीबॉडी डज ऑन एवरी सेट. और कोई नहीं करता है. अच्छा,
क्या झूठ बोलती हो मैम? सब लोग करते हैं। आज ज्यादा करते हो? पहली बार, एक दो बार किया मैं लाइफ में। झूठ अभी भी अच्छा, भी रिसेंटली भी किया। क्या झूठ बोलते हैं लोग यार। मैम रोहित तो ने खड़ा कराया था ऐसा फेसेस बनाने के लिए। अरे बट मैं क्यों, तुम्हारा शॉट है। पता है लॉट ऑफ क्वालिटी व्हिच आई वांट टू चेंज अबाउट हर। कुआ वहां है, कूद जाओ उसके अंदर जाके। इतनी बुराई सुन नहीं सकती है। या आई थिंक ये उंगली बहुत करती है। सो ये एंड शी ट्रबल्स पीपल ऑन द सेट एंड लाइक इवन इफ वी आर लाइक सीरियसली वर्किंग, वो कुछ ना कुछ पीछे की उंगली करती रहेगी एंड देन उसको पता है कि हाँ अभी ना ये कोई डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगी, फिर वो कोई ऐसा हो जाएगा एंड दे कीप ऑन प्लेइंग सम प्रैंक्स और गेम्स। सो दैट इज समथिंग विच आई रियली वांट टू चेंज, बिकॉज देखो मैं काम बहुत सीरियसली करता हूँ, मैं बहुत तैयारी करता हूँ। आई डोंट लाइक पीपल डिस्टर्बिंग माय वर्क। क्या वो देखा, सी एग्जैक्टली व्हाट शी कैन नॉट टेक एनीथिंग अबाउट हरसेल्फ। या दैट नीड्स टू चेंज। खुद के काम पे फोकस कर लो, लेकिन जब दूसरा काम पे फोकस करो तो ऐसे फेसेस बना के उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। तो तब तो समीर भी करता है, रुद्र भी करता है, रोहित सा भी करते हैं, सब करते हैं, पर मुझे आपसे प्रॉब्लम है। तो ठीक है भाई। डू आई नीड टू इवन आंसर? इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। अपने पे ब्लेम ना आए इसे सबसे पहले दूसरे पे डाल दो। ओह शिट, ओह गॉड, पता नहीं इतना लेट आते, लेट कम है। ओह गॉड, मैं इतना वेट करती रहती हूँ। कैन यू बिलीव इट, हम लोग सेट पे आते हैं लड़के, हम लोग 10 मिनट में मेकअप करके। एक मिनट, मेकअप कितना होता है? मेरा मेकअप देख रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई। व्हाई समवन गेटिंग सो गिल्टी डूड, आई एम जस्ट जेन्युइनली सेइंग। तो हम लोग वेट करते रहते हैं एंड हो गया, मतलब फिर थोड़ा ऐसा ना भूख लगी, नाश्ता वास्ता भी खा लेते हैं एंड देन वी कम डाउन ऑन सेट एंड वी आर स्टिल वेटिंग एंड देन ये आते हैं अपने पलटन के साथ, हेयर दीदी, मेकअप मैन, सब लोग, एंड बोले कि हम लोग वेट कराते। नहीं नहीं मैं लेट आता हूँ। देखा, I'm lucky to have a co-star like Dhruv Bhandari because he's a star. Nice. I'm lucky to have a co-star like Hiba Nawab because she's a very sweet girl. She's very friendly. She's a very good friend. And as her name suggests, she gifts her smile to us every day. So thank you. So sweet. Thank you. Do post your comments and tell us if you like this special segment, and also share with us whom you would like to see next. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Hiba Nawab and you are watching me on India Forums, and you can subscribe on WhatsApp TV.